अस्सलामुअलैकुम। नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब होंगे खुश मजे में। मजामा। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जी द क्रॉनिकल्स ऑफ लियो, थलापति विजय की फिल्म। थलापति विजय की फिल्म जो कि शुरू से ही हम इसकी पूजा से लेकर के सब कुछ देख, एक्ट्रेस का नाम रिवील हुआ था, फिर एक टीजर सब, ग्लिम्प्स आया, म्यूजिक सब, सॉन्ग्स, सीन्स, क्लिप्स सब देखे हुए। इस मूवी की जी एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी, उस पर एक स्पेशल वीडियो आई है द क्रॉनिकल्स ऑफ लियो। और इस 8 मिनट की वीडियो में क्या है, कुछ भी हो सकता है, कुछ मूवी से रिलेटेड क्लिप्स हो सकते हैं, मेकिंग हो सकती है, कुछ भी स्पेशल हो सकता है। और थलापति विजय के साथ एक कनेक्ट सा बना हुआ है, और इनकी अभी सेकंड लास्ट फिल्म आई थी और द गोट, अब लास्ट की भी मुझे लगता है लास्ट नहीं है, एकदम से इनका कमबैक होगा, साल बाद, डेढ़ साल बाद, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट फिल्म की पूजा हमने देखी थी, अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगी, जरूर देखिएगा। तो जितने भी थलापति विजय के फैंस हैं, लाइक कर दो और कॉमेंट किए बगैर नहीं जाना, देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। அது ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் தொட்டதுக்கப்புறம் யாராலையும் அதுக்கு மேலே அடிக்க முடியாது. इनमें इनकी फैमिली के साथ कुछ होता है ना, ये छोड़ चुके होते हैं अपना काम। कश्मीर है इनका, वो वुल्फ वाला सीन याद है, हाइना था, वुल्फ था, क्या था ये सीन? मिडिल एज मैन यार, यहाँ पे मेरे पार्टी का तमिल का, ये ब्लू कपड़ों में पहना आदमी वो वुल्फ बनाया हुआ है। कॉफी शॉप था, कॉफी शॉप वाला याद है? हाँ। अच्छा, ये खुद बनाई है ना? बनाया है सेट ए टू जी। ये वाला का बहुत चिन्ह था जोशी, इन द कई कड़क माना है, इन द स्नो ग्लोब मादरी तिल और वीट है, देखा था ब्लू कप सुत्ती मरो पानी मरे कुलीर काते महिंद्रा थार, कितना मुश्किल होता है ना। ऑन टाइम, ये सीन था, ये सीन था, बेटी वहां बैठी होती, कितने मजे का कैफे बनाया था। हाँ, ये है, लुक्स लाइक अ किलिंग स्प्री, चॉकलेट कॉफी, चॉकलेट कॉफी। अच्छा, ये भी एक हमने फाइट सीन देखा था, एक बड़े से वेयर हाउस टाइप में, देखो। सब 3-4-7-8 कैमरा लगे होते हैं। ये जो विलन, एक एक विलन की भी ग्लिम्प्स देंगी थी हम। Bloody sweet.
உலகத்தை ஏமாத்தலாம், ஆனா என்னை ஏமாத்த முடியாது. லியோ பார்த்திபன் மறந்துட்டேன். इनका दिखाया था ना बाद का भी पहले का भी. हाँ ये सीन हमने शायद देखा था, संजय दत्त ने पकड़ा होता है. हाँ ये पूरा एक्शन था. देखा था सब कुछ देखा था. यहाँ के सिर्फ एक्सप्रेशंस देख लो. हाँ खंजर ऊपर नीचे देखा ना. இவங்க நிறுத்த போறதில்ல. ஈசன் கூட்டம் மாதிரி உடத்தடி வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க. क्या नाम था, कौन सा दास था या पता नहीं क्या था. अक्सर पता है इंजरीज भी हो जाती हैं. பேசணும்னா அதுல ஏதாவது ஒரு நல்லது இருக்கணும். ये डायरेक्टर भी बड़े कमाल हैं, विक्रम लियो. जब बच्चे की थी इनके साथ वो है ना रिलैक्स. இன்னொரு ஆயிரம் பேர் வந்து நீதான் லியோவன்னு கேட்டா கடக் கரெக்ட். BTS में कैसा था और जब वो फिल्म होके आया तो कितना निखर गया. वन ईयर यार कमाल है. अच्छा मैं ना थ्रू आउट सुलेमान से भी गई थी कि सुलेमान सब कुछ छोड़ो, सिर्फ इनके सिर्फ फेस एक्सप्रेशंस चेक करो जो कैमरे पे ये देते हैं. भाई थलापति विजय के एक्सप्रेशंस, इनकी आवाज भी मुझे बड़ी अच्छी लगी. मुझे वो बच्ची इतनी इनके साथ सेट थी, लग रहा था जैसे कि अपनी बेटी है इनके साथ बैठ रही है हंस रही है. वरना बच्चे ना बहुत तंग करते हैं शूटिंग में. पता नहीं इसके ना एक एक विलन जैसा संजय दत्त एक और थे, पता नहीं उनका नाम मैं भूल गया, कौन से दास थे, सबकी हमने ग्लिम्प्स देखी थी. और इसके क्लिप्स हमने देखे कॉफी जो ये कॉफी शॉप इन्होंने क्रिएट की थी, चॉकलेट कॉफी. वो उस तरह आते एक लड़की को विजय इशारा करते तुम निकल जाओ, फिर उनकी फाइट होती है उसके साथ. फिर हमने ये हाइना वाला, हाइना था या वुल्फ था वो सीन देखा था. फिर एक वेयर हाउस में फाइट होती है वो सीन देखा था, वो क्लिप देखे थे. और इसके गाने देखे थे,
तो इतना बिहाइंड द सीन इतनी मेहनत होती है ना, और आप देखो कि जब वही सीन एडिट होकर VFX उसमें डल कर उसमें ग्रेडिंग आके आती है तो यार वो क्या निखर के आता है। इसीलिए मूवी को साल डेढ़ साल लग जाता है कि भाई उसमें इतनी एक एक शूट करना है। हाँ। और हम लोग तो मूवी देख के कहते हैं यार क्या यार अच्छा नहीं है, जैसे एक्टर ने अच्छा, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत है। और ये सोच के बड़ा दुख होता है कि यार इनकी अब लास्ट फिल्म आनी है, मतलब दिल नहीं मानता कि लास्ट फिल्म है। जिस तरह ये बोलते हैं ना ब्लडी स्वीट, वो बड़े मजे का था। एक एक चीज छोटे छोटे इनके बड़े उस तरह से जैसे खुश हैं, खेल भी रहे हैं बिहाइंड द सीन। इसका म्यूजिक अनिरुद्ध का, लोकेश कनगराज जो इसके राइटर भी हैं डायरेक्टर भी हैं, उनकी डायरेक्शन, लोकेशंस, फिर एक्टिंग, तो गाने सब कुछ बहुत अच्छे थे। और ये एक साल की एनिवर्सरी पर हमें ये तोहफा गिफ्ट मिला है तो बहुत मजा आया देख कर। आई होप स्मार्ट बहुत है जिसने पिंकी, इनको ग्रे बाल भी सूट कर रही थी और जो इनको ब्लैक पास्ट में बनाया हुआ था ब्लैक, दोनों में अच्छे लग रहे थे। आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा क्रॉनिकल्स ऑफ लियो, और थलापति विजय के लिए कुछ लिखना चाहिए इस मूवी के लिए तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा रिएक्शन। अगर लिखना चाहते हैं कि इनकी लास्ट मूवी ना हो, आती रहे आती रहे आती रहे, हाँ तो वो कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स इट रिएक्शन, अगर अच्छा लगा तो सो यू विल डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग में जाके भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। लोग हंसी इस बात में आती है कि बहुत टाइम हो गया ब्लॉग्स नहीं डाले, कुछ आजकल जरा हम बिजी चल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही हम फ्री होंगे तो हम पूरी, बहुत लोग पूछते हैं 17-18 दिन हो गए तो आएंगे, कम बैक करेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज अपडेट्स के लिए, इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे न्यू और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखना।